करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। अब ये गाना दोस्तों आप सभी को याद ही होगा, जो यहाँ शिल्पा शेट्टी ने इस गाने में काफी बेहतरीन डांस किया। उन्होंने अपनी कमर मटकाने के साथ साथ ही यूपी और बिहार को काफी ज्यादा उन्होंने अपना फैन बना दिया था। और आज हम आपको शिल्पा शेट्टी से जुड़ी ही एक खास बात बताने वाले हैं, जिसका खुलासा खुद शिल्पा शेट्टी ने ही किया है। तो फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम का। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध, और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे फिटनेस क्वीन कहलाए जाने वाली शिल्पा शेट्टी के बारे में। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी अब भले ही बॉलीवुड फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहती हो, लेकिन हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से प्यार में उनका दिल टूट गया था। अब ये बात सुनकर यकीनन उनके पति को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें तो भाई ज़रूर होने वाली हैं। ये देखना भी काफ़ी मज़ेदार होगा कि उनके पति का ये सब सुनने के बाद कैसा रिएक्शन सामने आता है। और हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने जिस तरीके से सबके सामने अपना जो उनका दिल टूटा था, जिस तरीके से वो किस तरीके से एक लड़के को पसंद करती थी और उनका दिल टूट गया था, इस बात का खुलासा उन्होंने खुलेआम सबके सामने किया है। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ कहा है शिल्पा शेट्टी ने अपने टूटे हुए दिल के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, जो इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी अक्सर ही किसी ना किसी वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। यूं तो शिल्पा शेट्टी इस समय अपने पति राज कुंद्रा के साथ खुशहाल जीवन जी रही है, लेकिन आपको बता दें शिल्पा शेट्टी का नाम पहले भी कई बॉलीवुड के तमाम सितारों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन एक बार उन्हें किसी से इस तरह प्यार हुआ था कि ब्रेकअप के बाद उनका दिल टूट गया था। और हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने अपना हाल ए दिल सबको सुनाया है। जी हाँ, अपनी जिंदगी के इस वाक्य को खुद शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया है। उन्होंने खुद बताया है कि आखिरकार शिल्पा शेट्टी का किस लड़के ने दिल तोड़ा था और वो कितनी ज्यादा परेशान हुई थी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी ने बताया, ये सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन ये सच है। मेरे दोस्तों ने एक बार एक लड़के से शर्त लगा थी, उससे कहा था कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप बनाए। मैं लड़के के प्यार में थी, लेकिन जल्द ब्रेकअप हो गया। उस लड़के का मकसद सिर्फ शर्त जीतना था। ये सच जानकर मैं निराश हो गई, मेरा दिल टूट गया था। जी हाँ, जिस तरीके से शिल्पा शेट्टी ने इस बात का खुलासा किया है कि भाई वो किस तरीके से एक लड़के के प्यार में थी, लेकिन लड़के ने शर्त लगाई थी दोस्तों से, जिसके बाद से वो शिल्पा शेट्टी के साथ उन्होंने अपना रिश्ता बनाया था और अचानक वो शिल्पा शेट्टी को छोड़कर चले गए। वेल, आपको बता दें, आज शिल्पा शेट्टी भले ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश है, लेकिन आपको बता दें शिल्पा शेट्टी का नाम बॉलीवुड की कई तमाम एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें से खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम शामिल है। वही शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपने फैंस को भी एक काफी बड़ा सरप्राइज देने वाली है। वो अपना एक शो लेकर आ रही है, जिसके बाद से फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं उनके इस शो को देखने के लिए। वही अगर बात की जाए शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के बारे में, तो आपको बता दें शिल्पा शेट्टी ने अपने पति को लेकर भी काफी बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, शिल्पा का बाद में कारोबारी राज कुंद्रा से सीरियस अफेयर हुआ। शिल्पा ने बताया, कुंद्रा के पास मेरी कुछ चीजें थी जिन्हें वो देने के लिए लंदन से मुंबई आए थे। पहले दिन उन्होंने मुझे कलर बैग भेजा और अगले दिन दोबारा बैग। शिल्पा ने बताया कि उस समय वो राज के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुई थी। राज लंदन में सेटल थे, लेकिन मैं मुंबई से लंदन सेटल नहीं होना चाहती थी। बाद में राज ने मुझे अपने मुंबई वाले एड्रेस पर बुलाया। ये राज के साथ में पहली डेट थी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी ने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि राज कुंद्रा के साथ उनकी पहली डेट थी। दरअसल आपको बता दें, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। हमेशा शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के प्यार में डूबी हुई दिखाई देती है, तो वही शिल्पा शेट्टी ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से
उन्होंने राज कुंद्रा के साथ वो डेट पर गई थी और किस तरीके से धीरे धीरे उनका प्यार आसमान छूने लगा था और अब ये प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों साथ में बेहद खुश नजर आते हैं और शिल्पा शेट्टी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश भी हैं। वहीं आपको बता दें, राज कुंद्रा और शिल्पा ने 2009 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है वियान। राज लंदन बेस्ड कारोबारी है, वो मार्शल आर्ट्स और क्रिकेट में भी काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, बॉलीवुड सितारे इन दिनों हर तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शिल्पा शेट्टी ने भी ये फैसला लिया है कि वो हियर मी लव मी रियलिटी शो को करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, शिल्पा का ये शो ब्लाइंड डेट्स पर आधारित होगा, जहां लोगों को ब्लाइंड डेट पर भेजा जाएगा। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए शिल्पा ने इस शो को लेकर अपने ब्लाइंड डेट एक्सपीरियंस को सबके साथ में भी शेयर किया। दरअसल आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी से एक सवाल पूछा गया था। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी ब्लाइंड डेट की है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब आपके दोस्त आपको अकेला देखते हैं तो आपको किसी न किसी के साथ भिड़ाने की सोचते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं एक बार गई थी, लेकिन उस लड़के के साथ कुछ मैच नहीं हुआ, न हाइट न कुछ। ऐसे में मैंने वहाँ कह दिया, भैया ये नहीं होगा। उसके बाद मैं अपने दोस्त को ढूंढने निकल गई और मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना ही नहीं, आपको बता दें, शिल्पा अपने इस नए शो को होस्ट कर रही हैं। शिल्पा के इस शो में लड़कियों को तीन लड़कों के साथ डेट पर जाने का मौका दिया जाएगा और फिर आखिर में लड़की को तय करना होगा उसे किसके साथ आना है। ये शो इस वक्त हियर मी लव मी अमेजॉन प्राइम पर शुरू हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी के फैंस शिल्पा शेट्टी के शो से काफी ज्यादा खुश हैं। शिल्पा शेट्टी को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और अब शिल्पा शेट्टी ने अपने फैंस को एक काफी बड़ा तोहफा दे दिया है। शेट्टी जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। अब भले ही वो बॉलीवुड में दिखाई ना देती हो, लेकिन अक्सर ही वो अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। तो वहीं शिल्पा शेट्टी का नाम भाई बॉलीवुड के कई तमाम बड़े एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने जिस तरीके से अपने टूटे हुए दिल का हाल बताया है, वो वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग था। वेल, आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी ने खुलकर पहली बार ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद से शिल्पा शेट्टी के फैंस काफी ज्यादा शॉक रह गए हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से ही विदा लेने का। लेकिन आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसे ही कुछ मजेदार किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।